हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं बना रही हूँ बड़े के गोश्त का कोरमा, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम गोश्त लिया है बड़े का, ये प्याज लिया है, लहसुन अदरक का, ये चने लिए मैंने, ये दही, ये काजू बादाम, उसकी रेसिपी आपको दे दूँगी मैं। चलो बनाना स्टार्ट कर दिए। इसके अंदर तेल डाल दिया ऑयल और मैं इसमें मेरा प्याज को, ये सब सामान को फ्राई करूँगी। टेस्टी ऐसे तरीके से बनाते हैं, बहुत टेस्टी तरीके से बनता है। और आपको मेरी लोग शॉर्ट पसंद आ रहे हो तो मुझे है ना कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि वीडियो में कुछ कमी तो नहीं रह रही है। और इसके अंदर मैंने चने डाले किलो किलो, इसको मैंने चने डालते ना तो वो टेस्ट हो जाता है। और जो हमारी प्याज हो गई फ्राई हो गई है, इसमें ना पीस लेते हैं, मिक्सर में मिक्स कर दिया, पान डाल दिया थोड़ा सा, ये आराम से मिक्स हो जाएगा। मैंने आगे की तैयारी कर ली है, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था कुकर में, अब मैं है ना इसके मसाले भूनती हूँ। मैंने इसके अंदर प्याज ऐड करती हूँ, इसके अंदर मैंने प्याज काट ली बारीक बारीक, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी, ये मसाले ऐड करेंगे, धनिया मिर्च हरेंद वाली और हल्दी और नमक, अच्छी तरीके से अब है ना इसके अंदर ये जो मैंने सारे मिक्स करा ये सब सामान इसके अंदर, इसके अंदर 15-20 मिनट लगाऊंगी सीटी लगाने में, तो गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए, फिर मैं और समझ आ गई इसको डालूँगी। अच्छा कलर आ गया, अभी मसाला बहुत डाला, पानी डाल दिया, इसमें आराम से गोश्त गल जाए, मसाले से पात को डालने हैं खड़ी। इतना अच्छा कोरमा हो गया हमारा, मैं इसके अंदर एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा गोश्त के अंदर। और अब ये दही भी डालेंगे एक कटोरी, अच्छा कलर आ गया, गरम मसाला डाला मैंने इसके अंदर और ये खड़े मसाले ऐसे डालती हूँ बात, हमारा बन के तैयार कोरमा, बहुत लजीज और बहुत अच्छा खाने में, और आप ज़रूर घर पर बनाना इसको, और मैंने इसकी आपको रेसिपी दे दी है। खुदा भी शुक्र खैर।